हाँ जी बेटा, नाउ लेट अस स्टार्ट नाउ बेटा विद द रिलेशन टॉपिक मेन बेटा टुडे वी हैव टू डू बिकॉज टिल नाउ वी हैव मेड जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर द रिलेशन, जिसमें हमने क्या किया था, कार्टीजन प्रोडक्ट किया था. टू टुडे वी विल डू रिलेशन. ओके, वेरी इजी. हमारे पास लाइफ में हमें बहुत सारे पर्सन्स मिलते हैं, है ना, हम इंटरेक्ट करते हैं. वो इंटरेक्शन क्या होगी, दो साइड्स की कार्टीजन प्रोडक्ट, ठीक है ना. एक हम है, मान लीजिए दिस इज यू एंड दिस इज द पीपल यू मेट. सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं. कितनी बार कहीं शॉप पे जाते हो, चार कस्टमर खड़े हैं बिना बात के, कई बार कोई बात आप डिस्कस कर लेते हो, नहीं ऐसा होता है, बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे करती हैं, मेरा ब्रदर ऐसे करता है, मैं ऐसे करता हूँ, नॉर्मली डिस्कशन हो जाती है. दैट इज अ कार्टीजन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी. बट रिलेशन, आप आगे किनके साथ अपनी बातचीत कंटिन्यू रखते हो, जिनको आप जानते हो, जिनके साथ कोई कंडीशन सेट हो जाती है. अच्छा, बाहर गए कहीं पे, कोई पर्सन, कोई फैमिली मिली आपकी फैमिली को, तो क्या होता है, आप उनका कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज करते हो. आपने एक रिलेशन सेट कर दिया, एक कंडीशन सेट कर दो, आपने कुछ एक्सचेंज किया, उनसे कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज किया, या कोई इंफॉर्मेशन, आप कहाँ रहते हो, अरे हम भी वहीं रहते हैं नेक्स्ट लेन में, कुछ ना कुछ तो रिलेशन सेट हो जाता है ना. तो बेसिकली जो रिलेशन है ना, वो कार्टीजन प्रोडक्ट का सबसेट है. मतलब मिलते हैं हम बहुत सारे लोगों से, बट उन जिनके साथ कोई कंडीशन सेट कर देते हैं, हम उन्हें क्या कह देते हैं, रिलेशन. ये मैंने आपको लेमैन की लैंग्वेज में समझाया. अब मैथमेटिकली हम बात करें कि मैथमेटिकली हमारे पास रिलेशन क्या है. एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, एक नॉन एम्प्टी, हम कहते हैं कि वो बेसिकली जो है रिलेशन सेट करता है फ्रॉम सेट ए टू बी. और ये जो सबसेट है ना, वो बेसिकली कहाँ से बनता है, ए क्रॉस बी से. ओके, राइट डाउन द डेफिनेशन प्लीज. अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी. हम बताते हैं, अब कई बार ऐसा होता है आप कहते हो कि यस ये मेरा फ्रेंड है, बट उस पर्सन के माइंड में मान लो कि नहीं, इतना उसका कोई और फ्रेंड भी तो हो सकता है. तो ये देखा जाता है ए क्रॉस बी है, मतलब रिलेशन कहाँ से लिया, ए टू बी लिया के बी टू ए लिया. अगर ए टू बी लिया, इनपुट ए सेट में से होगा, आउटपुट बी सेट में से. अगर फ्रॉम बी टू ए, इनपुट बी सेट में से होगा, आउटपुट ए सेट में से निकल. ओके, क्लियर. हाँ जी. अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टीजन प्रोडक्ट. बेटा बेसिकली ये जो सबसेट है ना, ये कहां से ड्राइव किया गया, मैंने आपको पहले ही बताया, फ्रॉम द सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन सेट किया बी में से. जैसे मैं कह दूं वाई इज 2x+3, ये रिलेशन मुझे बताना है. वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स, क्योंकि ए क्रॉस बी में सारे, मान मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ. ये है 1 2 3 4 5, बी सेट है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5. अगर मैं कार्टीजन प्रोडक्ट निकालती तो मुझे बताइए क्या क्या एलिमेंट्स आप लेते. बिल्कुल, आप लेते 1 1 1 2, ऐसे ही 1 5 तक चलता, फिर 2 1 कहां तक चलता, 2 5 तक, फिर 3 1 3 5 तक चलता, फिर ऐसे ही 5 1 5 5 5 तक चलता. बट
अगर मैंने एक रिलेशन सेट कर दिया, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मैंने कैसे रिलेशन सेट किया, देखिए, आई डिफाइंड आर सच दैट एक्स वाई एलिमेंट्स हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे ही एलिमेंट्स हैं, बट आई सेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, दोनों में फर्स्ट और सेकंड में एक रिलेशन सेट कर दिया है ना, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, वन टू टू थ्री, थ्री फोर, फोर फाइव, फाइव सिक्स आएगा, नहीं आएगा, वो नहीं आ सकता मेरे पास, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें एलिमेंट ही नहीं सिक्स है। तो देखो ये जो एलिमेंट्स है ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है कि नहीं, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो कि हमेशा रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कई बार पूरे के पूरे एलिमेंट भी आ सकते हैं, इसीलिए मैंने प्रॉपर सबसेट नहीं लिखा, सबसेट लिखा, प्रॉपर में इक्वल टू नहीं आता, बात समझ आई बेटा क्या हम कहना चाह रहे थे यहाँ पर सबको। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट एनी डाउट, चलो बेटा आगे। ओके अब बेटा देखिए यहां पर हमारा कुछ इनपुट है कुछ आउटपुट है, जो फर्स्ट 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 एलिमेंट्स होते हैं वो मेरा इनपुट होते हैं, और जो सेकंड 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 एलिमेंट है वो क्या है, आउटपुट है, एक्स पुट किया वाई आ गया, जो हमारी इनपुट होती है ना, जो वैल्यूज हम पुट करके, आप खुद देखो मैं एक्स की वैल्यू फाइव नहीं पुट कर पा रही हूँ, क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइव पुट करती वाई कितना आता सिक्स, वो मेरे सेट में ही नहीं है ना बी में, तो दैट मीन्स मेरी डोमेन ऑफ रिलेशन आर डी पैर में आर सब में हम कहते हैं जिसको, तो वो क्यों कहते हैं कि हम ये बताते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन आर वो क्या होता है, इनपुट होता है, जिस वैल्यूज पे ये रिलेशन डिफाइंड है, डोमेन जब भी वर्ड आ गया ना तो मेरे पास यही होगा कौन सी वैल्यू पर वो चीज डिफाइंड, हाँ फर्स्ट 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 बस, आपने रिलेशन लिख दिया तो 100% पहली पहली इनपुट ही है ना, तो डोमेन इनपुट ही होती, ओके। और बताने लगी हूँ रेंज, रेंज इज आउटपुट, सेकेंड 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 एलिमेंट दैट इज टू थ्री फोर फाइव, आगे हम फंक्शंस करेंगे उसमें डोमेन और रेंज निकालने का मेथड अलग है, यहाँ रिलेशन, बात क्लियर हुई, बहुत इजी है कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास डोमेन क्या है रेंज क्या है, अब आपके पास जो है डेफिनेशन दी हुई है ऑन पेज 34, अब बेटा देखो यही अगर मैं रिलेशन की डेफिनेशन में मैंने आपको कहा कि रिलेशन हमेशा नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, नॉन एम्प्टी को अंडरलाइन कर लो, यही हम एमसीक्यू में कैसे डाल सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज ट्रू, मैं एक में लिख दूं कि यार रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू सेट बी, मैंने वहां नहीं डिफाइंड किया, गलत होगी, अगली में मैं फ्रॉम सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, गलत होगी, थर्ड में मैं फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, वो भी गलत होगी, फिफ्थ में मैं फोर्थ में मैं लिख दूं नन, तो कौन सी को टिक करोगे, नन ऑप्शन को, क्योंकि दोनों में नॉन एम्प्टी वर्ड आना जरूरी है, दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू रीड ईच एंड एवरी लाइन केयरफुल, ओके जी। नाउ बेटा व्हाट इज रिटन इन द डेफिनेशन थ्री, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, मैंने भी तो यही आपको बोला ना, फर्स्ट फर्स्ट एक्स की वैल्यू इनपुट, ठीक है जी। आगे देखिए डेफिनेशन फोर, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ अ रिलेशन आर, ठीक है जी। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट होता है कोडोमेन, अब कोडोमेन क्या होता है हमारे पास, देखना
जब भी मैं रिलेशन एक डिफाइन कर रही हूं आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, बी सेट जो होता है सेकेंड सेट दैट इज को डोमेन ऑफ अ रिलेशन ऑलवेज, वो जो भी है चाहे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है चाहे इंटीजर्स है कुछ भी है उसको हम क्या कहते हैं को डोमेन कहते हैं। और यहां बेटा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, जो रेंज होती है ना वो हमेशा सबसेट होती है को डोमेन की ऑलवेज, क्योंकि रेंज निकाली ही सेट बी से जाती है, तो या तो उसके बराबर हो सकती है या कोई रह भी सकता है, जरूरी नहीं है ना। अब आपको सेट बी लिख के दिखाया था वन से लेकर फाइव तक एलिमेंट से, ठीक है ना, तो उसमें से कई बार वो पूरा का पूरा सेट आ जाता है, कई बार नहीं आता, कुछ रह भी जाता है एक्स्ट्रा। बात समझ आई? एरो डायग्राम से हम कैसे बनाते हैं, अगर मैं एरो डायग्राम से मान लीजिए ये रिलेशन सेट ए है ये सेट बी है, एक रिलेशन सेट कर दिया मैंने दोनों में वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ओके जी, इसको टू के साथ, टू को थ्री के साथ, थ्री को फोर के साथ, फोर को फाइव के साथ, यहां से भी आप जो है क्लियर कट डोमेन रेंज को डोमेन निकाल सकते, क्योंकि मैंने क्या रिलेशन सेट किया था y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जब मैं वन पुट करती हूँ टू ही आता, वन रह गया ना, को डोमेन देखूंगी तो वन से लेकर फाइव तक सारे एलिमेंट उस सेट में आते हैं, लेकिन अगर रेंज देखू टू थ्री फोर फाइव, देखो मैंने वहां पर भी वही लिखी थी, वन तो नहीं ना लिखा था क्योंकि आउटपुट में आता ही नहीं था मैंने, ओके जी, कोड में पूरा सेट है, इसे हम कहते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम भी आपको कई बार वो दिया होता है, आपको एरो डायग्राम दे दिया और कहा कि रिलेशन सेट करो, बताइए क्या रिलेशन है, तो आपको पता होना चाहिए वाई इक्वल टू की जो एलिमेंट है उससे एक ज्यादा आएगा, फ्रेम करना, बिल्कुल जी, ओके बेटा, सबको क्लियर है? अदिति, काव्या, नवकिरत, यशिका, क्लियर टू यू? ओके बेटा, चलिए अब बेटा हम मूव करते हैं एक्सरसाइज पे सीधा, आपको बड़े आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे, वेरी इजी टू डू दिस, ओके। अच्छा एक और जो बताना चाहती हूँ कि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ये बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, जो है वो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट इज टू पावर पी क्यू, वेयर पी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए एंड क्यू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट बी, ओके, दीज आर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, मतलब मैं कितने, जैसे एक रिलेशन ये था है ना, दूसरा रिलेशन मैं क्या कह सकती हूँ एक्स मेरे पास जो है वो लेस देन वाई हो जाए, लेस देन इक्वल टू वाई हो जाए, मतलब ये डिपेंड करता कितने एलिमेंट्स है, टू की पावर पी क्यू कितने रिलेशंस में सेट कर सकती हूँ, जैसे ये वन टू ये थ्री ये फोर, मेरे पास फोर रिलेशंस आ गए, ये टोटली डिपेंड, मतलब एक सेट में एक रिलेशन में फोर ऑर्डर्ड पेयर आ गए, ओके, ऐसे हम कितने ही रिलेशन सेट कर सकते हैं। यस, यहां पर आप कह रहे टू, नहीं बेटा ये तो मैंने एक रिलेशन के एलिमेंट्स बताए ना, कितने सारे रिलेशंस हो सकते हैं मेरे पास, वो फाइंड आउट करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 5 इंटू 5 दोनों में n में कितने, n ऑफ a में कितने एलिमेंट्स है 5, n ऑफ b में भी कितने हैं 5, 5 इंटू 5 25, 2 की पावर 25, हाँ नहीं 2 की पावर 25 थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है उसको लीव दैट आंसर। चलिए मैं तो यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि अगर एक रिलेशन लिया y इज इक्वल टू x प्लस 1
तो कितने उसके एलिमेंट्स बने उस रिलेशन? चार बने, वो तो एक रिलेशन के एलिमेंट्स है। ठीक है, चलो आगे, चलिए बेटा अब नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में बेटा मेरे पास क्या है, फर्स्ट ए 1, 2, 3 सो ऑन 14, डिफाइन द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ए से ए में ही लेना है, बाय व्हाट रिलेशन दे हैव मेंशन, एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन, रेंज हम तभी बता सकते हैं जब पहले हम रिलेशन लिख पाएंगे। तो सबसे पहले रिलेशन लिखा करो, क्लियर कट है। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो वाई ये बन गया, यानी जो भी एक्स की वैल्यू है उसको क्या करना है, थ्री से मल्टीप्लाई। अब शुरू हो जाइए, बताइए मुझे सबसे पहले अगर एक्स वन लेती हूँ तो वाई थ्री, एक्स टू लेती हूँ तो वाई सिक्स, एक्स थ्री लेती हूँ तो वाई नाइन, एक्स फोर लेती हूँ ट्वेल्व, थ्री से मल्टीप्लाई करना है। अगर फाइव लेती हूँ 15, मेरे पास एलिमेंट्स कितने हैं 14 तक, ए टू ए ही है ना, तो मैं आगे नहीं जा सकती, काम खत्म। जब एक मशीन में मान लो हम शूज के नंबर बना रहे हैं, है ना, शू अकॉर्डिंग टू साइज, वन नंबर का मशीन एडजस्ट कर लेती है। एक मशीन में आपने शू बनाना है, आप छोटा बना सकते हो, उसे बड़ा तो नहीं ना बना सकते। जब इस सेट में वैल्यू ही नहीं है 15, तो मैं ले ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो मेरे पास अब डोमेन ऑफ रिलेशन, हाँ जी 1, 2, 3, 4, रेंज ऑफ रिलेशन, वेरी गुड 3, 6, 9, 12, एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन, दैट इज सेट कंप्लीट है। क्योंकि रिलेशन कहां से था, ए टू ए, और मैंने कहा था जो सेट दूसरा होता है वही होता है ना, तो आप यहां पर 1, 2, 3 सो ऑन टिल 14। बात समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस समृद्धि बेटा, यस बेटा। मैम ये कोडोमेन ऑफ द रेंज दोबारा बता रहा बेटा, डोमेन फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट, देखिए जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा उसका फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट, और रेंज सेकेंड सेकेंड एलिमेंट, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद कोडोमेन, हम जहां से रिलेशन की मैपिंग करते हैं ना, ए टू ए हम लिख रहे हैं ना रिलेशन ए टू ए, तो मेरे पास जो वो सेकंड सेट, वो पूरा का पूरा ए सेट क्या है 1 to 14, वही एलिमेंट्स है। ओके समृद्धि, यस मैम। चले बेटा आगे, और क्वेश्चंस करोगे और क्लैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, नाउ व्हाट दे हैव रिटन हियर, ऑल ऑफ यू ट्राई योर सेल्फ, वेरी इजी एक्सरसाइज, आप बड़े आराम से कर सकते हो। हाँ जी, क्वेश्चन टू, डिफाइन द रिलेशन ऑन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब उसने कहा मैंने रिलेशन सेट ही नेचुरल नंबर्स में किया, दैट मींस नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ए की वैल्यू भी नेचुरल नंबर होगी, बी की वैल्यू भी नेचुरल नंबर होगी। अब रिलेशन क्या सेट किया देखते हैं, लेट अस सी, वाइज, अब साथ में उसे क्या लिखा है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट लेस देन, देखना बेटा, लेस देन 4, एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। रोस्टर फॉर्म रेडी टू ईट, यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज में। हाँ जी, सारा कुछ किया, हाँ सारा कुछ लिखना, ऐसे मत याद किया करो, सारा कुछ लिखना है। रेडी टू ईट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यूज, जिसे क्लियर कट डिपिक्ट होता है। ठीक है, अब
मेरे पास जो है वो दे देखिए, एक्स की वैल्यू फोर से लेस ले सकते हैं, यानी सिर्फ वन टू थ्री पुट कीजिए, एक्स की वैल्यू वन तो सिक्स आ जाएगी, हाँ जी टू सेवन आ जाएगी, थ्री एट, इससे आगे कुछ ले ही नहीं सकते, इनपुट ही नहीं है मेरे पास तो मैं नहीं ले सकती। ये रोस्टर फॉर्म में रिलेशन आ गया। अब उसने कहा डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट करो ना बेटा। हाँ जी, हु इज एबल टू टेल मी? यस दिव्यांशी, दिव्यांशी अनम्यूट योरसेल्फ, दिव्यांशी ओके, एनी अदर स्टूडेंट? चलो श्रेया मैम, डोमेन वन टू एंड थ्री है और रेंज सिक्स सेवन एट। वेरी गुड, बट लिखना हमेशा सेट की फॉर्म में, डोमेन ऑफ रिलेशन वन टू थ्री सेट फॉर्म में, ऐसे लिखोगे ना दिस इज रॉन्ग। ओके, रेंज मेरे पास दैट इज सिक्स सेवन एट। ओके वेरी गुड बेटा, सबको क्लियर हो गया? चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ इज योर होमवर्क। ओके, आई एम डूइंग नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज रिटन देयर? देखिए पी दिस इज फाइव सिक्स सेवन, थ्री फोर फाइव, अब देखिए उसने कहा फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड इन रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले तो हम रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। वेट दिव्यांशी नाउ, हाँ जी मैं सेकंड पार्ट पहले करने लगी। देखो फाइव के साथ थ्री है, ओके देन सिक्स के साथ फोर है, देन सेवन के साथ फाइव है, कितने का फर्क है? टू कम है वैल्यू, हर एक में टू कम है ना, तो दैट मींस अगर मैं फर्स्ट पार्ट लिखना चाहती हूँ मैं कहूँ रिलेशन आर एक्स वाई है ना, सच दैट मेरे पास हो y इज इक्वल टू x माइनस थ्री टू, बिल्कुल जी टू। नाउ बेटा मुझे वैल्यूज भी बतानी है x की, x ग्रेटर जैसे मर्जी बिलोंग कर दो, ग्रेटर जैसे मर्जी लिख दो, आप यहां लिख सकते हो कि x मेरे पास हो गए ग्रेटर देन टू लेस, ग्रेटर देन फोर लेस देन मेरे पास एट, एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वाई भी बताना है क्योंकि वाई भी क्या है मेरे पास, रिलेशन तो डिफाइन करना है ना। हाँ जी दिव्यांशी, यस बेटा। मैम थर्ड पार्ट का आंसर डोमेन है फाइव सिक्स सेवन, रेंज थ्री फोर फाइव, एंड कोडोमेन थ्री फोर फाइव। ओके बेटा मेरे पास जो है यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया डोमेन, तो डोमेन ऑब्वियसली फाइव सिक्स सेवन है, और रेंज पूछा गया बिल्कुल करेक्ट थ्री फोर फाइव। यस नवकिरत बेटा, यस नवकिरत, सीधा मैम एक्स बिलोंग्स टू पी वाई बिलोंग्स टू क्यू ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे एक्स बिलोंग्स टू x belongs to p, y belongs to q, ऐसे भी लिख सकते हैं ना? नहीं बेटा रिलेशन तो बताना ही पड़ेगा। हाँ साइड पे आप लिख सकते हो, फिर आपको p और q सेट भी तो डिफाइन करने पड़ेंगे ना। आप ऊपर या तो सेट डिफाइन कर दीजिए कि p मेरे पास जो है फाइव सिक्स सेवन है, और q मेरे पास हो गए वो थ्री फोर फाइव है, ऊपर डिफाइन कर दीजिए फिर रिलेशन में वो बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके नवकिरण, ठीक है ठीक है, यस मैम।
हाँ यहाँ नहीं भी वाई बताओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हम अपनी सेफ्टी के लिए बता देते, ठीक है। चलिए बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है सिक्स्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सिक्स्थ क्वेश्चन भी होमवर्क है, लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर सेवन, बिकॉज ऑल आर सेम क्वेश्चंस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बेटा। तो मेरे पास जो है नेक्स्ट एक और डिस्कस कर देते हैं ताकि ये टॉपिक पक्का हो जाए आपका। लेट अस सी, मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर सेवन, राइट अ रिलेशन आर सच दैट, मुझे बताया हुआ है इसमें ऑर्डर्ड पेयर है एक्स एक्स स्क्वायर क्यूब क्यूब, ओके, वेयर एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन अ रोस्टर फॉर्म। उसने कहा कि जो x है वो इज अ प्राइम नंबर बट लेस देन 10 है बेटा, ओके जी। अब यहां पर मैं देखती हूँ मेरे पास जो है x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 से स्टार्ट करूंगी तो 8, 3 वेरी गुड, 5 125, ओके, 6 नहीं लेना, 7, 3, 4, 3, 8 नहीं लेना, 9 नहीं लेना, 10 नहीं, वैसे भी लेस देन 10 लेना था, 10 तो है ही नहीं और वैसे भी वो प्राइम नंबर नहीं होता, तो इसको क्लोज कर देंगे, ओके, क्लियर बेटा। बहुत इजी एक्सरसाइज है, यहां से डोमेन रेंज जो मर्जी आप बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, उसने कहा है एट्थ क्वेश्चन में, सेट ए में एक्स वाई जेड है और बी 1 2, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, आपने नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम ए टू बी, दैट इज नंबर ऑफ रिलेशंस, मेरे पास क्या हो जाएगा 2 power 3 into 2 2 power 6, ओके बेटा, क्लियर। नाउ लास्ट बेटा, फाइंड आर द रिलेशन ऑन जेड, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड बाय आर। अब हमें कैसे दे दिया बेटा, देखिए व्हाट इज रिटन हियर इन द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी बेटा, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9th में व्हाट इज रिटन हियर, लेट आर बी द रिलेशन एंड इट इज गिवन बाय ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर, बेटा दैट इज रिटन देयर, ओके। अब बेटा डोमेन एंड रेंज आई हैव टू राइट। अब उसने क्लियर कट कहा कि मेरे पास ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं कि मेरे पास 100% वो क्या है, माइनस करके इंटीजर्स आए, ये रिलेशन सेट कर दिया ना, अगर कोई ये इंटीजर है तो दैट मींस आपको भी पता, आप यहाँ वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, इंटीजर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो हम इस सेट को अगर हमने लिखना है तो हम सिंपल, उन्होंने हमसे पूछा क्या डोमेन, डोमेन क्या होगी, इंटीजर्स ही होगी, इंटीजर्स ही होगी, इनफाइनाइट है ना, रेंज वो भी इंटीजर, हमने लेना ही ऐसे है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हम छोड़ पाएंगे, ठीक है कि नहीं, हर एलिमेंट आएगा, अगर ए की वैल्यू भी 1 आ जाए, बी की वैल्यू 1 आ जाए, 0 भी आ सकता है, ए की वैल्यू पॉजिटिव हो बी की वैल्यू नेगेटिव हो, मतलब मेरे पास नेगेटिव मतलब आगे नेगेटिव है ऑलरेडी, मैं दोनों पॉजिटिव ले लूं तो 2 - 3 - 1 भी आ सकता है, 3 - 2 - 1 पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव, तो रेंज मेरे पास वो भी सेट ऑफ इंटीजर, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी सम टाइम टू राइट देम प्रॉपरली कि ये क्या है, तो हम उसको जनरलाइज कर लेते हैं, समझ आ गई बेटा, क्लियर, यस जीवितेश, मैम ये क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दो, श्योर बेटा,
जीवितेश यहाँ पर ये पूछा गया है कि अगर आर मेरे पास रिलेशन है उसमें ऑर्डर्ड पेयर है के बी का और उसने कहा दोनों इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं तो दे राइट की रिलेशन क्या दे रहे ए माइनस बी इज एन इंटीजर यानी ए माइनस बी लैम्डा होना चाहिए मीन्स देयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर दोनों को माइनस करें तो आंसर इंटीजर ही आना चाहिए तो बेटा अगर इंटीजर आना चाहिए तो दैट मीन्स आप ए की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते इंटीजर से पुट करोगे ना क्योंकि ए दिया ही इंटीजर और आंसर भी हमारे पास बी का कैसा आएगा इंटीजर ही आएगा तो अब दोनों को माइनस करके इंटीजर वाले एलिमेंट्स लेंगे जब हम फ्रैक्शन ले ही नहीं रहे तो क्लियर कट डोमेन भी मेरे पास क्या होगा सेट ऑफ इंटीजर और रेंज भी क्या होगा सेट ऑफ इंटीजर ओके यस मैम क्लियर बेटा अब हम लोग जो है इसको